बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, अमेरिका तेल के खेल में पीछे रह गया है। सऊदी अरब और रूस ने मिलकर बड़ा काम कर दिया। सऊदी अरब और रूस ने मिलकर 20 लाख बैरल तेल को मजीद कम कर दिया है, यानी कि तेल की कीमत में कमी कर दी है। अमेरिका को इस तेल के खेल में पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका अब क्या करने वाला है? दुनिया के तेल पैदा करने वाले ममालक की तंजीम ओपोपेक्स प्लेक्स ने बुध के रोज़ तेल की पैदावार में यौमिया 20 लाख बैरल कमी का ऐलान किया है। वेना में ओपेक प्लेक्स के मरकजी दफ्तर में सिर्फ आधा घंटा जारी रहने वाली मीटिंग में फैसला हुआ कि तेल की पैदावार में रोज़ाना 20 लाख बैरल की कमी की जाएगी। ओपेक का कहना है कि खाम तेल की पैदावार में कमी का फैसला तेल की कीमत को मुस्तहकम रखने की गर्ज़ से उठाया गया है, क्योंकि हालिया महीनों में आलमी कसादबाजी का ख़तरा मजीद गहरा हुआ है और तेल की कीमत में कमी वाक़ हुई है। सन 2020 के बाद ओपेक और उसके इत्तेहादियों की तरफ से खाम तेल की पैदावार में यौमिया बुनियादियों पर सबसे बड़ी कटौती है। जाहिर है कि जब मार्केट में खाम तेल की पैदावार कम होगी तो दुनिया में इस किल्लत होगी और फिर कीमत भी बढ़ेगी, यानी आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दें। अमरीकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अमरीका क्या करने वाला है और अमरीका की कौन सी कोशिशें नाकाम हुई हैं वो भी आपको बताते चलें। तजियाकारों का ख्याल है कि ओपेक के इस ऐलान को सिर्फ खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के तनाजर में नहीं देखा जा सकता है। इसको आलमी सियासत के तनाजर में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस फैसले की बुनियादी वजह आलमी सियासत ही है। इस फैसले से अमरीकी सदर जो बाइडन को भी धचका लगा है, जो कई माह से तेल की कीमतें कम करवाने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ये बात भी सामने आई है कि खलीजी ममालक बिलखसूस सऊदी अरब के साथ बाइडन इंतजामिया के सफारकारी किस तरह नाकाम हो रही है। ओपेक प्लस का ये फैसला इसलिए भी अहम है कि रूस यूक्रेन जंग में तवानाई यानी तेल और गैस का एक अहम करदार बताया जा रहा है। इससे यह भी पता चलता है कि बाइडन को अपनी खारजा और इकतसादी पॉलिसी के महाज पर किस कदर मुश्किलात का सामना है। जो बाइडन ने 3 माह कबल जुलाई में सऊदी अरब का दौरा किया था और इस दौरे का बुनियादी मकसद सऊदी अरब को तेल की पैदावार बढ़ाने पर आमादा करना था। बाइडन ने सऊदी अरब से पैदावार बढ़ाने को कहा था, लेकिन सऊदी क़यादत में चलने वाली तंजीम ओपेक के हालिया फैसले से ज़ाहिर होता है कि बाइडन के दौरे का सऊदी अरब पर कोई असर नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों, बीबीसी के मशरिक वस्ती के कारोबारी नामा निगार हाशमी का कहना है कि जो बाइडन ने सऊदी शहजादे से तेल की पैदावार बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन ओपेक का नया फैसला अमरीका की तवक्का के बिल्कुल बरअक्स है। उनका कहना है कि इस इकदाम से दुनिया में तेल की कीमतों में इजाफा होगा। ये मगरबी ममालक की इन तमाम कोशिशों के लिए भी धचका है, जिनके तहत वो रूस की तेल की आमद को कम करना चाहते थे। रूस इस रकम को यूक्रेन के साथ जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ तक तेल की कीमत का ताल्लुक है, पैदावार में इतनी बड़ी कमी के बावजूद इसका आलमी सप्लाई पर बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि ओपेक और उसके इत्तेहादी पहले ही अपने महसूस कटौते का तेल पैदा नहीं कर रहे। लेकिन आने वाले दिनों में इस फैसले का असर बैनल अक्वामी मार्केट पर ज़रूर नज़र आएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओपेक के इस इकदाम के अमरीका पर असरात के बारे में एक तजिया शेयर किया है। इसके मुताबिक वियतनाम में ओपेक और उसके इत्तेहादियों का इजलास सऊदी अरब और रूस की क़यादत में हुआ। रूस के नायब वज़ीर आज़म, जिस पर अमरीका ने पाबंदी आयद कर रखी है, वो इसमें सरगर्म थे। ओपेक के इस फैसले ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। इससे अमरीका की मुल्की सियासत, खारजी इकतसादी पॉलिसी और यूक्रेन के जंग मुतासर होगी। चंद रोज कबल बाइडन इंतजामिया ने तेल की पैदावार में 2 मिलियन बैरल कमी की ओपेक के फैसले को रुकवाने की कोशिश की थी। पुरिसा कई माह से बाइडन आलमी मंडी में तेल की पैदावार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाई में सदर बाइडन के सऊदी दौरे के बाद ये क्यास अरैया की जा रही थी कि सऊदी अरब अपनी पैदावार में यौमिया 7 लाख
50,000 बैरल इजाफा करेगा। सऊदी अरब ने जुलाई और अगस्त में भी तेल की पैदावार में इजाफा भी किया था, लेकिन अब वो इससे पीछे हट गया है। सऊदी अरब का कहना है कि आलमी कसादबाजी के खदशात तेल की कीमतों में कमी कर रहे थे, जिसके बाद कुछ अरसे में खाम तेल की कीमत $120 फी बैरल से गिरकर $80 फी बैरल तक पहुंच गई, जिसकी वजह से तेल पैदा करने वाले ममालिक की माली तौर पर नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए सऊदी अरब को ये फैसला करना पड़ा। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि पैदावार में कमी के बाद आलमी मंडी में तेल की दस्तयाबी में 2% कमी होगी। माहरीन का ख्याल है कि इस फैसले से पंप तक पहुँचने वाली तेल की कीमत 15-30% तक बढ़ सकती है। अमरीकी थिंक टैंक ने रवां साल अगस्त में एक तजिया शेयर किया था, जिसमें जो बाइडन के सऊदी दौरे की अहमियत और मजबूरी पर तफसील से बात की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि जब अमरीका ने रूस पर पाबंदी आयद की तो खलीजी ममालक की अहमियत मजीद बढ़ गई। अमरीका की तरफ से रूस पर तवनाई की पाबंदियों ने अमरीका और यूरोप में गैस और तेल की कीमतों को आग लगा दी है। इससे अमरीका में सदर जो बाइडन की मकबूलियत में कमी आई है। ये मुमकिन है कि नवंबर में होने वाली वस्त मुदती इंतबात में डेमोक्रेट पार्टी को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और डेमोक्रेसी को अमरीकी कांग्रेस में अक्सरियत हासिल करना मुश्किल हो जाए। पिछले चंद महीनों में बाइडन ने सऊदी अरब से राबता किया, सऊदी अरब का दौरा किया और तेल की मुतबादल की तलाश में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। वली अहद पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2018 में वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल हाशिकी के कत्ल की मनसूबाबंदी की थी, इसलिए बाइडन की वली अहद से मुलाकात को शदीद तंकीद का निशाना बनाया गया था। बाइडन ने मुतहद अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद से भी तेल की पैदावार बढ़ाने के हवाले से बात की, लेकिन अमरीका को किसी तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। इस तरह बाइडन अपने ममालिक में तेल की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ओपेक के इस इकदाम के बाद व्हाइट हाउस ने बुध को कहा कि सदर बाइडन ने अपनी इंतजामिया और कांग्रेस से कहा है कि वो तवनाई की पैदावार को बढ़ाने और कीमतों पर ओपेक के कंट्रोल को काम करने के तरीकों पर गौर करें। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जॉर्ज फिलन ने कहा है कि सदर ओपेक प्लस के पैदावार में कमी के फैसले से मायूस हुए, क्योंकि आलमी माशियत यूक्रेन पर प्यूटन के हमले के मनफी असरात से दो चार है। प्यारे दोस्त, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।